हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद साइडवेज चला गया। ये देखिए मार्केट की ओपनिंग प्राइस ये है और उसने अपने डे हाई को क्रॉस नहीं किया। वो जो लास्ट स्विंग था कल का, उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट के गैप डाउन खुलने की या गैप अप खुलने की, ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए। बाकी लेट्स सी, कोई पोजीशन हमारी कैरी फॉरवर्ड में तो है नहीं। हम एनालिसिस करेंगे मार्केट में कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। मार्केट देखिए, एक लॉन्ग टाइम 5 मिनट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है माई इधर, सॉरी यस देयर, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, एक शॉर्ट टाइम ट्रेंड लाइन ये रही। मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है और मार्केट के पास लास्ट स्विंग एक ये है, उसके बाद स्विंग एक ये है, देन ये, देन ये। जैसे कि आज मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था, मार्केट अराउंड 4400-200 ये वाला लेवल मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस है। मार्केट वहीं से ही यू टर्न लिया है। हालांकि मार्केट यहां तक भी जा सकता था 44400। अब जो मेन चीज़ है, मार्केट 44000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली 7 पॉइंट नीचे। 44000 इज राउंड नंबर एंड वेरी क्रूशल लेवल एज वेल। तो अगर तो मार्केट कल ऊपर इसी रेंज में खुलता है तो मार्केट इज इन NTZ, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। हम वेट करेंगे मार्केट को किसी एक तरफ, इधर वो ब्रेकआउट दे या इधर ब्रेकडाउन। मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है, वी विल वेट फॉर इधर ब्रेकडाउन और इधर ब्रेकडाउन। इन केस मार्केट जैसे डेली बेसिस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 दिनों से, एक दिन ये मार्केट गैप अप खुल रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अगर गैप गैप खुलता है, मान के चलिए यहाँ पर खुल गया मार्केट, तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगा और हम वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ब्रेक करने की। वो भी तब, हम ये सब तब करेंगे जब मार्केट इस लेवल से नीचे नीचे ट्रेड कर रहा होगा। अगर मार्केट 44120 से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर गया तो हम अपना नेगेटिव व्यू को छोड़ देंगे और एक पॉजिटिव व्यू के डायरेक्शन की कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, इधर कॉल बाय और पुट सेल। अब मार्केट का क्योंकि जो लोअर लेवल है वो है ये, अगर इस पिंक लाइन से नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू किया इस रेंज में खुलने के बाद, तो हम एक नेगेटिव व्यू की पोजीशन बनाएंगे, इधर कॉल शॉर्ट और पुट बाय। अगर तो मार्केट सीधा ही गैप अप खुल गया इसके ऊपर, यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, तो मार्केट क्या करेगा, ये जो लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो यू नो मार्केट विल बी इन पैनिक सेलिंग। मार्केट के पास नीचे सपोर्ट ये रहा 43800, तो हम डीप इन द मनी कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि मार्केट 44000 एक ग्राउंड लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट बहुत ही कंफ्यूजन स्टेज में है। अगर तो इसके नीचे आज क्लोजिंग दे देता तो व्यू नेगेटिव हो जाता, मैं ऊपर की कोई कॉल शॉर्ट करके कैरी फॉरवर्ड कर सकता था, बट क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली 44000 पे क्लोजिंग दी है तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते थे। और हमने आज की पोजीशन भी आपके साथ में शेयर करूंगा, आज हमें 900 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो एक टाइम पे 2500 या 2500 के आसपास चल रहा था। अब हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना, वो हुआ था यहाँ पर, ये जो रैली आई थी मैं इससे थोड़ा घबरा गया था, ये जब पैटर्न बनना शुरू हुआ यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, उसके बाद मार्केट हमारी फेवर में गया। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, आपको अपना जो स्टॉप लॉस है कोशिश करना है अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेल कर लीजिए, ये मस्ट नो रूल है किसी भी बिगनर ट्रेडर के लिए। एटलीस्ट आपकी जो कैपिटल है वो प्रिजर्व रहेगी और आप फ्यूचर में अपने आप को शेयर मार्केट में मेंटेन करके रह सकते हो, आप फ्यूचर में मार्केट में बने रह सकते हो। अगर आप मार्केट में बने भी रह गए ना, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अब हम आगे की सोचते हैं कि मार्केट, अच्छा हाँ ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया मार्केट गैप अप गैप डाउन व्यू। अब हम चलते हैं निफ्टी 50 पर। सो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट, निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 19,396 पर। अब देखिए जो निफ्टी 50 है ना, वो थोड़ा ज़्यादा बुलिश है
एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। सो ये देखिए, ये जो सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, हालांकि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया है तो ये ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी ने लास्ट आवर में देखिए कैसे एक मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड, लास्ट आवर में से पैनिक सेलिंग आई है या डाउन ट्रेंड की तरफ गया है बैंक निफ्टी, जो रेड कलर है ये आप इसको बैंक निफ्टी कंसिडर करिए। लेकिन जो निफ्टी 50 है देखिए, ये इस तरह से इसने अपने आप को इस लेवल पर होल्ड किया है इस चैनल के लोअर उसमें रेंज में। निफ्टी 50 भी लोअर रेंज में ही है, लेकिन लास्ट टाइम में वो एक शार्प सेलिंग आई है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो जो सेलर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं। तो अगर तो इस रेंज के बीच में खुलता है तो मार्केट नो ट्रेड जोन में होगा, हमको कोई पोजीशन नहीं बनानी। हम इधर इसकी अगर इस रेंज में खुलता है तो थर्सडे के लिए हम वेट करेंगे कि थर्सडे को मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन से मार्केट मोर और लेस चैनल में ही चल रही है। ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बना दी, देखिए एक चैनल ये था, एक चैनल ये है, मार्केट पोल एंड फ्लैग बना हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा दोबारा बना देता हूँ मैं इसको, ये रहा पोल एंड दिस वन इज फ्लैग। तो मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो था ये देखिए नेगेटिव। तो नेगेटिव ट्रेंड में जब पोल एंड फ्लैग बनता है तो हमें उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वो। अब थोड़ा ये देखिए, ये इस तरह का है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, एक ट्रेंड लाइन है, ये एक चैनल है, इस चैनल के अपर हाफ में अभी ये ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये मैं थोड़ा दोबारा बना देता हूँ ये, और यहाँ पर भी देखिए बार बार ऐसे गया वापस आया, ऐसे गया वापस गया, ऐसे अब ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट्स वाई मार्केट इज़ लिटल पॉजिटिव इन निफ्टी 50, इसलिए मैंने आपको कहा कि मार्केट निफ्टी 50 में थोड़ा पॉजिटिव है, हालांकि बैंक निफ्टी में जब हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। मैं थोड़ा ये देखिए बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर है किस तरह का रहा, अब इस चैनल में बना हुआ है, अगर इसको ऊपर जाना होता ये इतना टाइम यहाँ स्पेंड नहीं करता, मोर इसको नीचे ही आना होगा। अदरवाइज अगर इसको ऊपर जाना है तो 44,400 तक गैप अप खुलना पड़ेगा इसको, या जो लास्ट ट्रेड हुआ है, जो लास्ट स्विंग बना है उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। दैट इज़ जो लास्ट ट्रेडिंग है, देखिए इसका ये हाई है 44,200 के ऊपर गैप अप खुलना पड़ेगा, तब ये ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की वजह से हम इसको नीचे की तरफ मानेंगे। तो ये तो था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज की पोजिशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, रुकिए यस, ये रियलाइज प्रॉफिट है जो आज का, वो 906 रुपीज़। ये हमारी पुरानी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है, ये हमारी आज की पोजीशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।